जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello children, I am here your English teacher and today we are going to learn chapter 6 of SS. Name of the chapter is Local Self-Government. So let's start with that. India is a big country. हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। There are many towns, cities and villages in our country. हमारी कंट्री में बहुत सारे towns है, villages है, cities है। ओके अब ये टाउन्स विलेजेस और सिटीज क्या है? सिटीज यानी कि बहुत बड़े बड़े सिटीज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, इज दैट। एंड टाउन्स, टाउन्स यानी कि जो विलेज से बड़े हैं और सिटी से छोटे हैं, दे आर कॉल्ड टाउन्स। ओके एंड थर्ड वन इज विलेजेस। सो देर आर थ्री कैटेगरीज, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। It is very difficult for a single government to control the administration of such a vast country. एक ही government पूरे के पूरे country का management हर एक जगह पे नहीं कर सकती है, वो बहुत difficult है। Okay, administration नहीं कर सकती है, management नहीं कर सकती है, वो बहुत मुश्किल है। Hence, our constitution provides for government at three levels. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमारे गवर्नमेंट को थ्री लेवल्स में डिवाइड किया है, तीन लेवल्स बनाए हैं उसके। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स। सबसे ऊपर जो आता है, सुप्रीम पावर जिसके पास है सबसे बड़ा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके केंद्र सरकार जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो सबसे ऊपर है, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जी। ओके तो वो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो हमने ऑलरेडी स्टेट्स एंड कैपिटल के टाइम पर भी देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा केंद्र सरकार और उसके नीचे जो हमारे हर एक स्टेट से अलग अलग, उन सारे ही स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट होता है, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे गवर्नर होते हैं। ओके तो वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है। उसके बाद थर्ड लेवल कौन सा है? इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द थर्ड लेवल नोन एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। वो थर्ड लेवल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके तो आज हम इस चैप्टर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सिस्ट्स इन All the states of India at the grassroot level. Local self-government जो है वो इंडिया के हर एक स्टेट में grassroot level पर है, यानी कि सबसे नीचे। It is entrusted with the duties and responsibilities of the village and urban development. Local self-government को trust किया जाता है, उसके ऊपर पूरे का पूरा भरोसा किया जाता है उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, और वो हर एक विलेज और अर्बन डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल है। ओके यानी कि विलेज के डेवलपमेंट के लिए और अर्बन यानी कि सिटीज, टाउन्स के डेवलपमेंट के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करता है। अ सिटी और अ टाउन हैज इट्स ओन गवर्नमेंट कॉल्ड द म्युनिसिपैलिटी और द म्युनिसिपल कमेटी। हर एक सिटी और टाउन में उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है। ओके उसका मैनेजमेंट करने के लिए उनकी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कमेटी कहते हैं। इट इज एन इलेक्टेड कमेटी। ये जो म्युनिसिपैलिटी है या म्युनिसिपल कमेटी है,
वो इलेक्टेड कमेटी है, उसका इलेक्शन होता है, उसको लोग इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करते हैं. ओके, मैन एंड विमेन हु आर 18 इयर्स ऑफ एज और अबो इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द कमेटी. अब जो भी विलेज है, सिटी है, टाउन है, वहां के जो लोग हैं, उसमें जो लोग रहते हैं, उसमें से जो भी लोग 18 इयर्स या उसके अबो एज के हैं, वो सारे ही लोग म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शंस में वोट डालते हैं. ओके, अपना सिलेक्शन बताते हैं. नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 4 टाइप्स है. एक ग्राम पंचायत जो विलेज में होता है, नगर पंचायत जो टाउन में होता है. टाउन यानी कि नगर, गांव से बड़ा, सिटी बड़े सिटी से छोटा, तो डेट इज नगर पंचायत. फिर बड़े सिटीज यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल और मेट्रो सिटीज यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये मैनेजमेंट बॉडीज है जो थर्ड लेवल पर वर्क करते हैं. सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एरिया के हिसाब से ये अलग अलग टाइप्स है. ओके, जितना बड़ा एरिया उस तरह के गवर्नमेंट वहां पर बनती है. नाउ टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. 3 टाइप्स के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं. दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज, उसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. सबसे पहला है नगर पंचायत. अ नगर पंचायत वर्क्स फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, मीनिंग एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल टू एन अर्बन एरिया. नगर पंचायत जो है वो ट्रांजिशनल एरिया के लिए वर्क करती है. ट्रांजिशनल एरिया का मतलब है जो छोटे से डेवलप होके बड़ा एरिया बन रहा है. ओके, जो डेवलप हो रहा है या डेवलप होके बड़ा एरिया बना है. रूरल यानी कि गांव से वो अर्बन एरिया, सिटी एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशनल एरिया में नगर पंचायत होती है. वेदर एन एरिया इज अ ट्रांजिशनल एरिया, अ स्मॉल अर्बन एरिया, इट इज डिसाइडेड एंड स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन. गवर्नर जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होते हैं. ओके, तो वो गवर्नर उसको पब्लिकली नोटिफाई करते हैं, एक नोटिफिकेशन देते हैं कि जो एरिया है उसको किस एरिया के तौर पे काउंट किया जाएगा. क्या वो विलेज है या वो अर्बन एरिया है या टाउन है, क्या है. ओके, तो उस नोटिफिकेशन के बेस पर वहां पर उसकी गवर्नमेंट डिसाइड की जाती है कि वहां पर नगर पंचायत बनेगी, ग्राम पंचायत होगी या म्यूनिसिपालिटी होगी. ओके, सो गवर्नर है जो डिसाइड करते हैं, जो नोटिफिकेशन देते हैं, पब्लिक नोटिफिकेशन कि आपका एरिया इस कैटेगरी के अंडर आता है. नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल काउंसिल. अ टाउन और अ सिटी हैज इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड द म्यूनिसिपल काउंसिल. टाउन है या सिटी है, ओके, विलेज से बड़ा एरिया, टाउन या सिटी, उनकी खुद की लोकल गवर्नमेंट जो है उसको हम म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं. म्यूनिसिपल काउंसिल, द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिलर्स. म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स को हम म्यूनिसिपल काउंसिलर्स कहते हैं. इट इज सुटेबल फॉर अ टाउन और अ स्मॉल सिटी. ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो टाउन या स्मॉल सिटी के लिए सुटेबल है. द काउंसिल हेडेड बाय द कमिश्नर. काउंसिल जो है उनका जो हेड होता है उनको हम कमिश्नर कहते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट म्यूनिसिपल काउंसिल. देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर मेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने बोला ना कि मेट्रो सिटीज जो है वहां पर जो मैनेजमेंट बॉडी है, लोकल गवर्निंग बॉडी, उसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. ओके, तो 4 मेट्रो सिटीज है हमारे इंडिया में, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई. तो ये 4 मेट्रो सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं. द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड अ मेयर.
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं, उसके लीडर होते हैं, उनको हम मेयर कहते हैं. द कॉरपोरेशन हैज अ काउंसिल दैट इज डायरेक्टली हेडेड बाय द लोकल पीपल. कॉरपोरेशन में एक काउंसिल होती है उनके मेंबर्स की बनी हुई, जिसको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि उसका इलेक्शन होता है सिटी में. ओके कैसा होता है पता है, पूरा सिटी जो है ना उसके पार्ट्स कर दिए जाते हैं, जिसको वार्ड कहते हैं. जैसे मोरबी में भी होता है, अगर आपको याद हो तो वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, ऐसे वार्ड्स बना दिए जाते हैं. एरिया वाइज एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है, पूरे सिटी को अलग अलग एरियाज में, वार्ड में डिवाइड किया जाता है. ओके और वार्ड वाइज उनका इलेक्शन होता है. उस इलेक्शन में अलग अलग पार्टीज के लोग खड़े रहते हैं. ओके कांग्रेस वाले भी होते हैं, आप वाले भी होते हैं, भाजपा वाले भी होते हैं. ओके फिर उनका इलेक्शन होता है, सारे ही लोग वोट डालने चाहते हैं, उस वोट को फिर काउंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. ओके और काउंट करके जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो उस वार्ड के मेंबर बन जाते हैं. ओके काउंसिल के मेंबर्स, और इस तरह से सारे ही वार्ड के अलग अलग मेंबर्स बन के पूरी काउंसिल बनती है. और उस काउंसिल के मेंबर्स जो लोगों ने ये इलेक्शन के थ्रू जिसको सिलेक्ट किया है, वो सारे मेंबर्स जो है वो सारे मिलके अपना लीडर चुनते हैं, जो हेड होता है. अगर म्युनिसिपल काउंसिल है तो वो कमिश्नर, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो मेयर. तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है. ओके द कॉरपोरेशन हैज अ काउंसिल दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल. मैंने बोला ना कि लोकल पीपल उसका इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उनको वार्ड डालकर. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द म्युनिसिपल एरिया. सारे ही मेंबर्स अलग अलग एरिया के मेंबर्स जो है उसको उसके एरिया के इलाके के लोग उसको इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के थ्रू उसको सिलेक्ट करते हैं. नाउ इनकम ऑफ म्युनिसिपैलिटीज. अब ये जो लोकल गवर्निंग बॉडी है म्युनिसिपैलिटीज जिसको कहते हैं, वो पूरे सिटी का मैनेजमेंट करते हैं, पर उसको मैनेजमेंट करने के लिए पैसे आते कहां से है, उनको पैसे कौन देता है. सो लेट्स सी दैट. टू डू ऑल द वेलफेयर वर्क म्युनिसिपैलिटीज नीड मनी. पूरा सारा ही ये वेलफेयर वर्क करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, पूरा मैनेजमेंट करने के लिए म्युनिसिपैलिटी को मनी चाहिए. दे गेट मनी बाय चार्जिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एज फी और टैक्स ऑन लैंड एंड हाउसेस. ये मनी जो है वो उनको टैक्स के रूप में मिलता है, फीस के रूप में मिलता है. वो टैक्स कौन सा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि पापा को बोलते हुए, मम्मा को बोलते हुए, दादाजी को बोलते हुए कि हाउस टैक्स भरना है, रोड टैक्स पे करना है. गुजराती में उसको क्या बोलते हैं, मकान वेरो, पानी वेरो, वेरो बोलते हैं उसको. ओके तो हाउस टैक्स है, रोड टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये सारी ही चीजें है ना, वो टैक्सेस है जो हम म्युनिसिपैलिटी को देते हैं, क्योंकि वो पूरे सिटी का मैनेजमेंट करते हैं, और वो मैनेजमेंट करने के लिए उनको पैसे भी चाहिए होते हैं. तो वो पैसे वो हमसे फीस या टैक्स के रूप में लेते हैं. ये टैक्स हम सिटी में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ही टैक्स पे करते हैं. ओके पीपल पे टैक्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ रोड्स. हम सारे ही लोग रोड के लिए रोड टैक्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल भरते हैं, हाउस के लिए हाउस टैक्स भरते हैं. तो ये सारे ही टैक्सेस उनकी इनकम है, वो टैक्सेस में से ही वो हमारा डेवलपमेंट के लिए अलग अलग वर्क करते हैं. दे ऑल्सो पे एंटरटेनमेंट टैक्स एंड टैक्स ऑन व्हीकल्स. हम व्हीकल्स पर भी टैक्स पे करते हैं और एंटरटेनमेंट टैक्स भी पे करते हैं. जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो ये थिएटर्स वगैरह जो सब कुछ चलता है तो वो सारे ही टिकट्स पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है. ओके और वो एंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं थिएटर वाले. जिसको हमने पे किया है वो थिएटर वाले गवर्नमेंट को पे करते हैं. जो टिकट्स हमने परचेज किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज टिकट्स हो तो उसमें से 20 रुपीज अगर एंटरटेनमेंट टैक्स है तो 20 रुपीज हर एक टिकट पर गवर्नमेंट के हैं, बाकी के 80 रुपीज थिएटर वाले के हैं.
तो इस तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स भी उनको पे होता है। ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी म्यूनिसिपैलिटी को ये सारा ही डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब कुछ डेवलप करने के लिए, यानी कि रोड्स बनाने के लिए और गार्डन्स बनाने के लिए, गार्डन में बेंचेस रखने के लिए, डस्टबिन्स रखने के लिए, ये सारे ही चीजों के लिए गवर्नमेंट भी उसको पैसे देते हैं। कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। ओके, तो इन सारे डेवलपमेंट के लिए उनको वहां से ग्रांट्स भी मिलती है म्यूनिसिपैलिटी को। तो इन सब चीजों को मिलाकर सारे ही पैसे लेकर म्यूनिसिपैलिटी वर्क करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, सिटी के डेवलपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। ओके, म्यूनिसिपैलिटी को क्या क्या काम करना होता है। ओके, इट मेक्स मैनेज अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। सबसे पहले हम लोग कभी भी अगर देर रात को घर से बाहर निकले ना, तो हम देखते हैं कि रोड पर लेडीज और जेंट्स वो डार्क एकदम फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर जैसा या ग्रीन कलर जैसा जैकेट पहनकर रोड की साफ सफाई करते हुए दिखाई देते हैं। वो कौन है, उसको किसने रखा है, उसको कौन सैलरी देता है? म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी ने उनको सिटी क्लीन कर रखने के लिए जॉब पे रखा है। वो लोग रोज रात को निकलते हैं और जब ट्रैफिक कम हो जाता है वो सारे ही पूरे ही सिटी को वो लोग क्लीन करते हैं, पूरा कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको फेंकते हैं। तो उनको सैलरी म्यूनिसिपैलिटी देता है, वो म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लॉयज है। ओके, और उसने सिटी क्लीन करने के लिए उनको अपॉइंट किया हुआ है। इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर लाइटिंग ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट एट नाइट। पूरे ही सिटी में स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, सब जगह पर स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, ये सारा कुछ देखना म्यूनिसिपैलिटी का काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लाइट्स नहीं चल रही है तो उसका रिपेयरिंग करवाना, ये सब कुछ उसके अंडर में आता है। इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे घर पे म्यूनिसिपैलिटी का अगर पानी आ रहा है तो वो पानी है, वो शुद्ध पीने लायक पानी हमारे घर तक पहुंचे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी म्यूनिसिपैलिटी की है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, स्लम एरिया, यानी कि बहुत झोपड़पट्टी वाले एरिया, बहुत ही लोअर कैटेगरी के लोग, बहुत ही पुअर लोग जहां पर रहते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल ही गंदा अनहाइजीनिक स्लम एरिया जिसके लोग बहुत ज्यादा गरीब है, उनका डेवलपमेंट करना भी म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आता है। इट रन्स प्राइमरी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। म्यूनिसिपैलिटी जो है वो चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी स्कूल्स भी चलाते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी स्कूल्स अच्छे से चल रही है कि नहीं, वहाँ पर टीचर्स अच्छे से जॉब करते हैं कि नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ देखना म्यूनिसिपैलिटी का काम है। नेक्स्ट, इट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। आपको पता हो ना, तो हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट। ओके, जब किसी के घर में किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटी में करवाना पड़ता है और म्यूनिसिपैलिटी वाले ही बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। उसमें वो ये लिखते हैं कि ये बच्चा, इसके पिता ये है, इसके माता ये है, वो इस एड्रेस पर रहता है और ये इस देश का नागरिक है। ओके, तो इस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत जरूरी है। हर एक जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होता है। ओके, तो आपके बर्थ का भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा आपके पापा ने जब आपका बर्थ हुआ होगा, तो वो आपके पास भी वो बर्थ सर्टिफिकेट होगा जो म्यूनिसिपैलिटी ने इश्यू किया है। ओके, इसी तरह से जब किसी की भी डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, ओके, तब उनकी डेथ का रजिस्ट्रेशन भी म्यूनिसिपैलिटी में करवाना पड़ता है कि सो एंड सो पर्सन इज डेड। वो लोग उसका भी एक सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। वो सर्टिफिकेट ही हमें सब जगह पर, बैंक में, प्रॉपर्टीज में, सब जगह पर देना पड़ता है जब हम किसी को डेड डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, इन दोनों चीजों का रजिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटी में करवाना जरूरी है
और वो सब लोग करवाते ही है और करवाना ही पड़ता है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। म्यूनिसिपैलिटी जो है वो पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड सारे ही काम करती है, उस पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना उसका काम है, जैसे कि रोड्स पर सब जगह पर कूड़ा कचरा ना फेंके उसके लिए लोगों को एंकरेज करना, या अभी ये कोरोना चल रहा है तो पब्लिक की हेल्थ के लिए चेकअप कैंप्स लगाना, वैक्सीनेशन कैंप्स लगाना, और सैनिटेशन यानी कि प्रॉपर गटर व्यवस्था जो है, नल व्यवस्था, गटर व्यवस्था, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो। कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, वहां पे मच्छर हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो ये सब चीजों का निकाल करे, उसको क्लीन करवाए, और वेस्ट मैनेजमेंट, कहीं पर भी कचरा पड़ा है तो उसको उठवाए वहां से और उसको प्रॉपर जगह पे फेंकने के लिए लोगों को एंकरेज करे, डस्टबिन रखवाए, ये सारा ही काम म्यूनिसिपैलिटी का है। इट प्रोवाइड्स ब्यूरियल ग्राउंड्स, क्रेमेशन ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स। क्या बताएं उसको, ये जो है देखो, मुस्लिम लोग जो है ना वो जलाते नहीं है बॉडी को, ओके, वो दफनाते हैं, मतलब वो लोग जमीन में गड्ढा करके वहां पर बॉडी को रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ओके। तो उसके लिए ग्राउंड्स अलोकेट करना म्यूनिसिपैलिटी का काम है। फिर हम लोग जलाते हैं, स्मशान चाहिए हमें तो स्मशान डेवलप करना, वो भी म्यूनिसिपैलिटी का काम है। अब जलाने वाला कंसेप्ट थोड़ा उससे अलग कंसेप्ट पर काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक वो आ गया है जलाने का, वो इलेक्ट्रिक भट्ठा जिसको बोलते हैं, ओके, क्रेमेशन के लिए, तो वो भी डेवलप करना म्यूनिसिपैलिटी का काम है। तो ये सारी चीजों को डेवलपमेंट करना म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आता है। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर फायर स्टेशन एंड डिस्पेंसरीज। फायर स्टेशन डेवलप होना चाहिए सिटी में, और लेटेस्ट सारे ही क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट्स फायर स्टेशन में अवेलेबल होने चाहिए। जब भी कहीं पर फायर हो तो जल्दी से जल्दी फायर स्टेशन वाले जो है वो वहां तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था करना भी म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आता है। और डिस्पेंसरीज यानी कि हॉस्पिटल्स ओपन करना, एटलीस्ट छोटा सा एरिया है तो वहां पर छोटा सा दवाखाना हॉस्पिटल जैसा ओपन करना, दिस इज ऑल कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? रिसेंटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन फॉर्मड एज इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। रिसेंटली यानी कि अभी के टाइम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्टार्ट हुई है बनना, ओके, और वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर तो नहीं बोल सकते पर उनके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जो भी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर हो जाते हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सहकारी मंडली बोल सकते हैं, ओके। फार्मर कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड लोन असिस्टेंस एंड अदर हेल्प टू द फार्मर्स। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती है, ओके, तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो फार्मर्स को लोन देते हैं और उनको असिस्ट करते हैं कि क्या कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में उगाना चाहिए, या किस तरह से फार्मिंग करनी चाहिए, कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए फार्मिंग की जिससे कि सबसे ज्यादा क्रॉप ग्रो हो सके, सबसे कम मेहनत लगे, सबसे कम पानी लगे, तो इस तरह का असिस्टेंस जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स एंड कोऑपरेटिव्स प्रोवाइड इजी लोन्स एंड अदर हेल्प टू स्मॉल ट्रेडर्स इन टाउन्स एंड सिटीज। स्मॉल ट्रेडर्स यानी कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह बेचने का काम करते हैं, ओके, उसको हम स्मॉल ट्रेडर्स कह सकते हैं। तो ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो उनको लोन्स देते हैं इजीली। अब अगर वो गवर्नमेंट में, बैंक में कहीं पर लोन लेने जाए तो बहुत सारा पेपर वर्क उनको करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उनको प्रूव करनी होती है, उनका घर है, उनके इनकम है, उनका इनकम टैक्स है, बहुत सारी चीजें होती है,
पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो इतनी चीजें नहीं मांगती है, इजीली वहां से लोन्स छोटे छोटे ट्रेडर्स को अवेलेबल हो जाता है जो उनको हेल्प करती है, जो ये लोन्स वगैरह देकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं जो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं. देर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट सेल थिंग्स एट लो रेट्स. कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बहुत कम प्राइस में चीजें बेचती हैं ताकि उसके मेंबर्स को चीप रेट में अच्छी चीजें अवेलेबल हो सके. दे ऑल्सो सेल स्कूल बुक्स, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर स्टेशनरी. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें क्या होता है, उसमें हर एक तरह के मेंबर्स होते हैं. पैसे वाले लोग भी मेंबर होते हैं और मिडिल क्लास भी होते हैं, लोअर क्लास भी होते हैं. ओके, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करते हैं. और वहां पर जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब दे आर हैविंग वेरी लो बैकग्राउंड मॉनेटरी टर्म्स में, ओके, जो बहुत ही गरीब है, ऐसे मेंबर्स को वो बहुत कम प्राइस में नोटबुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स या फुल स्केप बुक्स, ये सारी ही चीजें उनको बहुत कम प्राइस में देते हैं सो देट वो कम प्राइस में अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके. सो दिस इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अगेन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज. विलेज, टाउन, सिटी, अब तो हर जगह पे इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई है. विमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड लोन टू विमेन फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेसेस. विमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है जिसको स्पेशली उस विमेन के लिए डिजाइन किया गया है जो बहुत ही गरीब है, अपने घर पर कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपना घर चलाना चाहती है, तो ऐसे विमेन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन्स देते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर जनरली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड गुड सर्विसेज टू देयर मेंबर्स. कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो जनरली एफिशिएंट होती है, ओके, और वो अपने मेंबर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी सच एज रोड्स, पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा. ओके, अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, obviously we are responsible citizens, okay, तो we should take care of public properties. public properties का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कहीं भी हम garden में जाते हैं या कोई भी public place पर जाते हैं तो कुछ भी खाया, कुछ भी पिया तो कहीं पर भी फेंक दिया, ये नहीं करना चाहिए. हर एक public property का ध्यान रखना हम सब public की responsibility है. so we have to be careful टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज. वो हमारी ही प्रॉपर्टीज है, उसको साफ हमारे ही पैसों से करवाया जाता है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. रोड्स है, पार्क्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इन सब चीजों का ध्यान रखना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, उनको संभालना, ये सारे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. इन 1687 द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन मद्रास, दैट इज चेन्नई. 1687 में, ईयर 1687 में सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टार्ट हुआ था और वो सेटअप हुआ था चेन्नई, मद्रास में. बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई, वॉज सेटअप इन 1882. उसके बाद बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC स्टार्ट हुआ था 1882 ईयर में. कैलकटा, दैट इज कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन 1876. कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1876 में सेट हुआ था. तो ये तीनों ही हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर सबसे पहले ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का. ओके, सो हियर वी एंड अप विद द चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. अगेन वी विल मीट विथ सम न्यू लर्निंग्स. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे, किड्स. बाय बाय.